हेलो फूडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की हमारी रेसिपी है चीज बर्स्ट सैंडविच। अगर आपको पिज्जा खाने की इच्छा हो रही हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये पिज्जा का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेट में दो व्हाइट ब्रेड लिए है। आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर व्हाइट मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के मेयोनीज अवेलेबल होते हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उसका यूज कीजिए। मेयोनीज को इन ब्रेड के ऊपर लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से उबले हुए कॉर्न स्प्रेड करेंगे। आप कॉर्न की जगह आपकी फेवरेट सब्जी का यहाँ पे यूज कीजिए। कॉर्न को इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज स्प्रिंकल करेंगे। और चीज डालने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए एक पैन हमने ऑलरेडी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद हमने बनाया हुआ एक सैंडविच हम इसमें रखेंगे। इस सैंडविच के नीचे वाले पार्ट को क्रिस्पी होने तक हमें सेक लेना है। एक से दो मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला पार्ट एकदम अच्छे से सिक चुका है। हमने जिस पार्ट को सेका है हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। और ग्रीन चटनी अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज अप्लाई करेंगे। और मेयोनीज को इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से वेजिटेबल ऐड करेंगे। थोड़े से बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई कैप्सिकम और उबले हुए कॉर्न। इन सब्जियों को टेस्ट आने के लिए हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। और इस चीज बर्स सैंडविच को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। हमें ये सारी प्रोसेस करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखनी है, अदरवाइज नीचे वाला साइड जल जाएगा। नीचे वाले साइड को थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इस पैन में बटर ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और चीज मेल्ट होने तक हम इसे इसी तरह ढक के रखेंगे। इसे ढक के रखने के बाद हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसके ऊपर का ढक्कन निकाल के देखते हैं कि चीज मेल्ट हुई है या नहीं। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट चीज मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म और उतना ही टेस्टी चीज बर्स्ट सैंडविच अब सर्व करने के लिए रेडी। ऐसी इंस्टेंट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।